गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम 12th क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिश का जो राइटिंग पार्ट है उसको सीख रहे हैं। इस सीरीज में, इस कड़ी में हमने सबसे पहले जो शॉर्ट कंपोजिशन का हमारा टॉपिक है उसको पूरा किया है। आपको बताता चलूं कि शॉर्ट कंपोजिशन का जो हमारा टॉपिक होता है उस टॉपिक से 4 अंकों के लिए एक क्वेश्चन जो है बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में, एग्जामिनेशन में हमसे पूछा जाता है, जिनमें आपके ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 1 का जवाब देना होता है। जिसमें हमने एडवर्टीजमेंट को पढ़ा, एडवर्टीजमेंट में भी कई प्रकार के एडवर्टीजमेंट थे हमने, जैसे मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट है, जॉब वैकेंसी एडवर्टीजमेंट है, लॉस्ट फाउंड, सेल परचेज, ठीक है ना, और एकोमोडेशन, ये पढ़े। उसके बाद हमने नोटिस राइटिंग को पढ़ा, उसके बाद हमने रिप्लाई राइटिंग और पोस्टर को कंप्लीट किया। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अगला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, इस लेटर राइटिंग में आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारे 12th क्लास के सिलेबस में 4 प्रकार के पत्र जो हैं फॉर्मल लेटर वो सिलेबस में सम्मिलित हैं, जिनमें अभी जो हमने पिछले वीडियो में सीखना शुरू किया है वो हमारा है जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन लेटर। जॉब एप्लीकेशन लेटर को हमने पहले डिस्कस करना प्रारंभ किया। बहुत ही आसान एक लेटर है। हमने पिछले वीडियो में इसका पूरा ही फॉर्मेट कि एक लेटर को, फॉर्मल लेटर को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, ये आपको समझाया। इसमें हम बताएंगे आपको कि आपको किस प्रकार से इसका मैसेज लिखना है। ज़्यादा कुछ परिवर्तन इसके मैसेज में नहीं होते हैं। मैसेज का तात्पर्य बॉडी ऑफ दी लेटर, यानी पत्र का जो बॉडी है, जो सैल्यूटेशन के बाद आप जो लिखना शुरू करते हैं पोर्शन, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं। कुछ एक परिवर्तन आपके, जैसे किस पद के लिए आपने अप्लाई किया है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, इन चीज़ों में थोड़ा सा परिवर्तन प्रत्येक पत्र के क्वेश्चन के अनुसार या पद के अनुसार होते रहते हैं, शेष आपका कोई अधिक परिवर्तन नहीं होता है। मैं आपको एक बार फिर से ये बताऊं कि किस प्रकार से उसका जो पूरा ही फॉर्मेट होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। आपको पता है, जो कि हमने पिछले ही वीडियो में बताया, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप यहाँ पे एक एड्रेस लिखते हैं, जो एड्रेस होता है भेजने वाले का। मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन जो है आप छोड़ देंगे। मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। फिर मैंने बताया आपको यहाँ पे आप लिखेंगे टिक, दिनांक। उसके बाद आपको बताया मैंने कि एक लाइन जो है एक बार पुनः आप यहाँ पे लीव करेंगे, उसको क्विट करेंगे, और एक लाइन क्विट करने के बाद यहाँ पे एक बार फिर से एड्रेस आपको लिखना है, और अब की बार का एड्रेस आपको वो लिखना है जिस संस्था में आप अप्लाई कर रहे हैं, उस संस्था के पदाधिकारी का पद जो होगा वो यहाँ पे आएगा, संस्था का नाम या संगठन का नाम यहाँ पे आएगा, और अंतिम जो लाइन होगी उसमें आपका जो भी शहर होगा वो आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि उसके बाद जो आपका अगला पॉइंट होता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, जो कि कौन सा है, सब्जेक्ट है आपका। सब्जेक्ट के बाद आप चाहें तो एक लाइन को यहाँ छोड़ दें, और यहाँ पे आप लिख देंगे सैल्यूटेशन। ठीक है, आपको बता दूं, अगर ध्यान नहीं है तो आपको बता दूं कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका है सेंडर्स
एड्रेस, ठीक है, ये है सेंडर्स एड्रेस। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये है आपका डेट, यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी होती है। और जो ये पोर्शन है, ये है जिसे जो प्राप्त करता है उसका एड्रेस, और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, वो है सब्जेक्ट, और ये वाला जो पोर्शन है सैल्यूटेशन, ये है अभिवादन। सभी जो है एक लाइन में ही आएंगे, ऐसा नहीं है कोई भी लाइन आपने कहीं से भी शुरू कर दी, कोई आगे से शुरू कर दी, कोई पीछे शुरू कर दी। तो इस प्रकार से आपका वो जो राइटिंग पार्ट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, और जब तक कोई भी चीज अट्रैक्टिव नहीं होगी, जब तक कोई भी कार्य रचनात्मक नहीं होगा, क्रिएटिव नहीं होगा, तब तक आप ये ध्यान रखें बच्चों कि ये 7 अंक जो है वो प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद जो यहां से शुरू करते हैं ना, वो आपका आता है बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर या कह सकते हैं मैसेज। वो मैसेज आपको क्या लिखना है, बस आज हम उसके बारे में सीखेंगे। ये पूरा ही पोर्शन मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर उस वीडियो में आपको कोई भी परेशानी रही हो, कोई भी प्रॉब्लम रही हो, तो मैंने एक बार फिर से बता दिया आपको कि आप लेफ्ट हैंड साइड जो पेज होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले आप भेजने वाले का पता लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आप डेट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद रिसिपियंट एड्रेस यानी जो प्राप्त करता है उसका पता लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। आपको बताया था मैंने सब्जेक्ट हमेशा ही होगा एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिस पद के लिए है वो पद आप लिख देंगे। मैंने आपको सैल्यूटेशन भी बताया था, मैंने कहा था आप डियर सर या डियर मैडम कर सकते हैं, केवल सर या मैडम कर सकते हैं, या डियर सर स्लैश करके मैडम साथ में भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं, आज आपको मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसका जो मैसेज होता है वो किस प्रकार लिखेंगे, उसके बाद इसका जो रिज्यूम है वो हम सीखेंगे, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन हम लेंगे, उनको अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा जो मैसेज होगा वो इस प्रकार से होगा, जहां जहां परिवर्तन होगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। This is with reference to your advertisement. This is with reference, ये संदर्भ में है, to your advertisement यानी आपके विज्ञापन के, ठीक है हमारा। This is with reference to your advertisement in, इसके बाद आप न्यूज़पेपर का नेम जो है वो मेंशन कर सकते हैं, in the राजस्थान पत्रिका। This is with reference to your advertisement in the Rajasthan Patrika on, आप यहाँ डेट लिख दें, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, डेट लिख दिया, ऑन के बाद में यहाँ पे डेट, ये डेट लिख करके सीधा डेट लिख दें, या डेटेड करके भी आगे आप डेट लिख सकते हैं। तो अब एक चीज यहाँ पे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखनी होगी कि एक डेट आपने यहाँ भी लिखी है, एक डेट आपने यहां भी लिखी है, और ये डेट जो यहां पे लिखी है ये कौन सी डेट होगी, मान लो आज की डेट है जिस दिन आप इस लेटर को लिख रहे हैं, ये वो डेट है, लेकिन ये डेट इस डेट से पहले की होगी। मान लो आज 6 तारीख यहां पे अगर लिखी आपने कि July 6, 2020, तो इसका मतलब यहां की डेट या तो 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 6 भी हो सकती है, लेकिन 6 के बाद की नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले न्यूज़पेपर में उस एडवर्टीजमेंट को देखा है
और एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद आप जो है वो अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन या लेटर को लिख रहे हैं, तो ये डेट जो है इस डेट के बाद की होगी, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, डेट दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन दी राजस्थान पत्रिका ऑन, के बाद में क्या लिख दिया आपने, दिनांक लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, दैट ए वैकेंसी ऑफ, दैट अ वैकेंसी, वैकेंसी ऑफ, और यहां पे क्या लिख देंगे आप, पद। यहां पे कौन सा पद, ये वो पद होगा जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना कौन सा पद होगा, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। या आप इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं कि आपने जो सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट में आपने लिखा है एन एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, और पोस्ट ऑफ के बाद में भी क्या लिखा था, पद लिखा था, और वो पद जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपने सब्जेक्ट में, वो का वो पद जो है कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे मान लो वहां पे होता है एन एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ टीचर, तो यहाँ पे हो जाता दैट अ वेकेंसी ऑफ टीचर। वहां पे अगर होता कि एन एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ क्लर्क, तो हो जाता दैट अ वेकेंसी ऑफ क्लर्क। वहां पे अगर होता कि एन एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए वेकेंसी ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर से देख लेते हैं, दिस इज विद रेफरेंस, या हम चाहते तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यानी प्रत्युत्तर, ठीक है। दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, या दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन दी राजस्थान पत्रिका ऑन, के बाद डेट आ जाएगी दैट ए वेकेंसी ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पद आ जाएगा, इज लाइन वेकेंट, वेकेंट का मतलब रिक्त या खाली, लाइन वेकेंट अंडर योर काइंड कंट्रोल। समझ रहे हो कि आपके उस विज्ञापन के संदर्भ में, जिस विज्ञापन में कहा गया है कि इस पद की एक वैकेंसी जो है आपके कंट्रोल में रिक्त है, किसके कंट्रोल में, किसको कह रहे हो आप, इस व्यक्ति को, इस रिसिपेंट को जिसको आप ये पत्र भेज रहे हैं। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन दी राजस्थान पत्रिका ऑन, के बाद डेट लिख दिया दैट ए वैकेंसी ऑफ, जिसकी भी वैकेंसी है, इज लाइन वेकेंट यानी खाली पड़ी हुई है, रिक्त पड़ी हुई है, अंडर योर काइंड कंट्रोल, सो आई ऑफर माइसेल्फ, आई ऑफर माइसेल्फ, आई ऑफर यानी मैं पेश करता हूं माइसेल्फ यानी स्वयं को एज अ सुइटेबल यानी एक उपयुक्त, एक सही, बेस्ट भी कह सकते हो, बेस्ट कैंडिडेट एज अ सुइटेबल कैंडिडेट फॉर दी सेम पोस्ट, किसके लिए, फॉर दी सेम पोस्ट यानी उसी पद के लिए, समझ रहे हो। फिर देख लें, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, ये आपके विज्ञापन के संदर्भ में है, वो विज्ञापन जो आपने इस अखबार में दिया, इतनी तारीख को दिया कि वेकेंसी जो है इसकी लाइन वेकेंट यानी रिक्त पड़ी हुई है आपके कंट्रोल में, आपके नियंत्रण में, आपके अधीन, इसलिए मैं ऑफर करता हूं माई सेल्फ को, या आप ऐसे भी कह सकते थे सो आई सबमिट माई एप्लीकेशन, मैं अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करता हूं एज अ सुइटेबल कैंडिडेट यानी एक बेहतर, एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे, एक उपयुक्त कैंडिडेट के रूप में फॉर दी सेम पोस्ट। आप यहां पे लिख देंगे कि आई एम एन एनर्जेटिक, एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान, आई एम एन एनर्जेटिक
यंग बॉय या फिर गर्ल, तो गर्ल लिख देंगे। ऑफ के बाद में यहां पे एज भी लिख देंगे, ठीक है। ये क्या है, चेंज होता रहेगा एज। तो आपने क्या किया, आई एम एन एनर्जेटिक यंग बॉय या आई एम एन एनर्जेटिक यंग गर्ल ऑफ 25 विद प्लीजिंग विथ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। प्लीजिंग यानी एक हसमुख, एक खुश मिजाज पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व वाला। आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम एन एनर्जेटिक यंग बॉय या गर्ल ऑफ 25 विद हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी, यानी एक मेहनती पर्सनैलिटी, मेहनती व्यक्तित्व है, प्लीजिंग पर्सनैलिटी है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप अपनी योग्यता को भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, I have done यानी मैं कर चुका हूं। डन नहीं लिख सकते हैं आप, अगर नहीं लिखेंगे तो कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं। I have completed या I have done, और उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे आप, योग्यता। मैंने यहां पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि योग्यता तो प्रत्येक एप्लीकेशन के अनुसार, प्रत्येक इस डेजिग्नेशन, इस पद के अनुसार बदलती रहेगी। कि मान लो अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो अलग होगी। आपको अगर टीचर के रूप में अप्लाई करना है तो टीचर की क्वालिफिकेशन कैसी होगी, अलग होगी। तो जैसा जैसा पद होगा उसके अनुसार योग्यता भी बदलेगी। और जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो पद और योग्यता जो है वो क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो आप उसी योग्यता को लिख देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है। तो आई हैव डन या आई हैव कम्प्लीटेड, उसके बाद जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन लिख सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लिख सकते हो, ठीक है ना। आपने BCA किया है, MBA किया, मतलब तो जो भी किया हुआ है वो योग्यता आप यहाँ पे लिख देंगे। कोई विशेष योग्यता है तो साथ में उसको भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, आई हैव 3 years, 2 years, 4 years, जो भी है। I have 3 years of, I have 3 years of, अब मान लो टीचर के लिए अप्लाई किया तो टीचिंग एक्सपीरियंस कर दो, किसी अदर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो वर्किंग एक्सपीरियंस कर दो। तो I have 3 years of, 3 years of teaching, और teaching नहीं लिखना चाहो तो लिख दो working I have 3 years of teaching, I have 3 years of working experience in रेप्यूटेड यानी एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट, एक प्रतिष्ठित संस्थान में 3 वर्ष का या 4 वर्ष का या 5 वर्ष का जितना भी है वो आप लिख सकते हैं, कार्य करने का अनुभव है, ठीक है ना। उसको भी आप यहाँ पे जोड़ देंगे। किसी फर्म भी लिख सकते हैं, कोई कंपनी लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूट लिख सकते हैं, जो भी आप चाहो यहाँ पे लिख दो। आगे लिख देंगे अगर आप चेंज करके, देखो यहाँ पे लाइन का विशेष ध्यान दे रहा है, देखो किस प्रकार से आपका लेटर जो है वो अंत की तरफ जा रहा है, समाप्ति की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ आई एम गिवन अ चांस, If I am given a chance, यदि मुझे मौका दिया जाएगा, कॉमा I will do my best.
इफ आई एम गिवन अ चांस आई विल डू माई बेस्ट, यदि मुझे मौका मिलेगा, यदि मुझे मौका दिया जाएगा, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना सबसे अच्छा काम करूंगा, ठीक है ना। और यहां पे लिख देंगे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, और नीचे लिख देंगे योर्स फेथफुल, और यहां पर लिख देंगे आप ना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका लेटर होगा। अब इसके नीचे जब हमें रिज्यूम लिखना होता है तो रिज्यूम के लिए अलग से यहां पे लिख देते हैं एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड यानी संलग्न है, तो उसको हम आगे देखेंगे, पहले इसको एक बार फिर से सीख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं। पहला ये पोर्शन जो है उसमें आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे, भेजने वाले का पता, लाइन का विशेष ध्यान देना है, एक लाइन बीच में छोड़ने के बाद क्या लिख दोगे डेट, एक लाइन फिर से छोड़ोगे, फिर जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, उसका एड्रेस मैंने पिछले वीडियो में भी आपको लिख के भी बताया था, फिर से आपको बता देता हूँ। पहली जो लाइन उसमें केवल जिस पदाधिकारी को, व्यक्ति को भेज रहे उसका पद आएगा, अगली में संस्था या संगठन का नाम आएगा, उसके बाद आ जाएगा शहर या स्थान का नाम, उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे आपने सब्जेक्ट डाल दिया, सब्जेक्ट हमेशा ही होगा एन एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, और जिस पद के लिए है वो कर देंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सैल्यूटेशन, आपको सैल्यूटेशन मैंने बता दिया था, डियर सर या डियर मैडम, या केवल सर या मैडम कर सकते हो, या स्लैश करके सर या मैडम दोनों ही लिख सकते हो। दिस इज इन रिस्पॉन्स, आप चाहो तो इस स्थान पे, इस स्थान पे आप ये भी लिख सकते हो इन रिस्पॉन्स, जो भी आपको अच्छा लगे, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, आपके विज्ञापन के प्रत्युत्तर में जो राजस्थान पत्रिका में आपने विज्ञापन दिया था, ऑन के बाद कब दिया था, ये डेट लिखना, डेट यहाँ पे तारीख लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि आपने 5 जुलाई को दिया था, 4 को दिया था, जब भी दिया था, दैट अ वेकेंसी ऑफ, ये जहां जहां ये इस प्रकार से मैं बॉक्स में कर रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि ये सभी चीजें जो है परिवर्तित होंगी। यहाँ पे पद लिखेंगे आप, पद वही होगा जो सब्जेक्ट के अंत में लिखा हुआ है, वो यहाँ आ जाएगा, इज लाइन वेकेंट, रिक्त है, अंडर योर काइंड कंट्रोल, सो आई ऑफर, इसलिए मैं ऑफर करता हूँ, पेश करता हूँ माई सेल्फ यानी स्वयं को एज अ सुइटेबल कैंडिडेट, एज अ गुड कैंडिडेट फॉर दी सेम पोस्ट, यानी उसी पद के लिए, ठीक है ना। आई एम एन एनर्जेटिक यंग बॉय, मैं एक ऊर्जावान युवा बॉय या गर्ल हूँ, जिसकी एज ये है, ये एज भी आप जो है अपने अनुसार लिख सकते हैं, मैंने तो एक लिख दी है, ये भी मैंने इसको बॉक्स में कर दिया है, जो चेंज हुआ। विद प्लीजिंग पर्सनालिटी, जिसकी पर्सनालिटी, जिसका व्यक्तित्व बहुत ही प्लीजिंग है, बहुत ही अच्छा है, वर्कहॉलिक है। आई हैव डन या आई हैव कम्प्लीटेड, अब ये योग्यता इसको भी बॉक्स में कर देता हूँ, इसका मतलब आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा, और चेंज किसके अनुसार होगा, इसके अनुसार जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद के अनुसार आपकी योग्यता होगी। आई हैव 3 years ऑफ टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस मेरे पास, अगर टीचर के लिए अप्लाई किया है तो टीचर लिखने की आवश्यकता है, अगर टीचर के लिए अप्लाई नहीं किया तो इसका कोई भी औचित्य नहीं है, तो क्या आ जाएगा, वर्किंग एक्सपीरियंस इन अ रेप्यूटेड फर्म है, रेप्यूटेड कंपनी है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है वो। इफ आई एम गिवन अ चांस, यदि मुझे मौका दिया जाएगा, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना सबसे अच्छा प्रयास करूंगा, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली, ठीक है ना, योर सिंसियरली, ये आप लिखेंगे, और इस प्रकार से आपका ये जो पत्र है वो पूरा ही बनके तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बॉडी ऑफ द लेटर है ये आपको समझ में आया होगा, इससे पहले ये पोर्शन आपको मैंने पहले ही समझा दिया था, बस ये मैटर इतना आपको कंठस्थ करना है, आपको याद करना है, जो जो चीज़ें चेंज होंगी वो मैंने आपको बता दी हैं, और इसके बाद अगले वीडियो में इसका रिज्यूम किस प्रकार से लिखा जाएगा हम उसका सीखेंगे, और रिज्यूम सीखने के बाद जो अगले वीडियो अपलोड होंगे उसमें हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, पहले एक या दो एग्जांपल इसके लेंगे, उसके बाद आगे हम जो अगले लेटर्स हैं उनको सीखेंगे। आपका ये कर्तव्य है कि आप इसको पढ़ते रहें, पिछले वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं, किसी भी टॉपिक जो समझ में आपको नहीं आता उसके वीडियोज आप देख सकते हैं, धैर्य के साथ इनको सीखें, और जो भी समय आपको मिला है इस वैश्विक महामारी के चलते कि स्कूल जाना अभी असंभव हो रहा है,
तो आप घर पर रहते हुए और बेहतर आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करें, उसका सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, अच्छी तरह पढ़ाई करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।